हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा और हमेशा की तरह मैं आपके साथ हूँ। अभी देखिए, मैंने आपको चक्रा ध्यान भी शेयर किया था, जिसमें मैंने मुद्राओं के साथ आपको बताया है। अभी मुझे एक और इंटरेस्टिंग तरीका मैंने फॉलो किया है, और मुझे पता है बहुत सारे लोग घर में योगा आसना और ध्यान एक्सरसाइजेस करते हैं, जिसमें ये सारे पोस्चर्स आपने किए भी होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि स्पेसिफिकली हमारे कौन से चक्रा को एक्टिवेट करते हैं। तो जब आप वो पोस्चर करें, उस चक्र पर वो कलर विजुलाइज करें, प्लस अपनी आंखें बंद करके करें, तो बहुत इफेक्टिव हो, क्योंकि विजुलाइजेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। और आप उस बार उस पर, क्योंकि आपने ऑलरेडी साउंड पहले कर लीजिए, उसके बाद वो पोस्चर करेंगे, राइट? या मुद्राओं के साथ कर सकते हैं, या मुद्राओं के साथ भी नहीं करना है, सिर्फ पोस्चर करना है। तो आप सीधे पहले, जैसे मूलाधार पे आए तो लम की साउंड आपने बोली, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है और आप कितने इफेक्टिवली करना चाहते हैं। 7 times, 11 times, 21 times, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो है, इसके लिए पोस्चर्स मैं वन बाई वन आपको बताऊंगी। देखिए, एक पोस्चर में मैं अभी बैठी हूँ, ये चक्रा का पोस्चर नहीं है, लेकिन ये वज्र आसन है, सब बहुत लोग जानते भी होंगे। ये बहुत इफेक्टिव है दोस्तों, अगर हमें स्ट्रेट बैठना है। तो मुझे बहुत इंटरनली फील होता है कि जब मैं वज्र आसन में बैठी हूँ तो मैं कमर को स्ट्रेट करके बैठती हूँ, और बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटी सी मैं टिप्स यहाँ पर दे देती हूँ कि जब आप सुबह ब्रेकफास्ट करें, लंच करें, डिनर करें, उसके बाद एटलीस्ट 10 मिनट्स आप ऐसे बैठें, कोशिश करें कि आप बैठ जाएं ऐसे। प्लस आप जब खाना खाएं तो बहुत स्लोली स्लोली खाएं, बहुत अच्छे से चबा चबा के खाएं, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको जो मेन है वो बता देती हूँ कि जो मूलाधार है आपका, मूलाधार पे मैं कलर बता चुकी हूँ आपको और मुद्रा भी बता चुकी हूँ, अभी मैं पोस्चर बताने जा रही हूँ। देखिए, मूलाधार रेड कलर को विजुलाइज करना है आपको, और साउंड पहले कर चुके हैं तो साउंड पहले, तो इसके साथ भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको राइट लेग को आगे लाना है, और लेफ्ट को इस तरह से अपने टो पे उठाना है, और सिंपल श्वास के साथ, क्योंकि जो योगा है वो पूरा सांस का खेल है, कि अगर आपने सांस को इनहेल और एक्सहेल सही से समझ लिया तो आपको इफेक्टिव लगेगा, अदरवाइज आप कितना भी करते रहिए कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो आप देखिए, यहाँ पर इस तरह से आपको थोड़ा सा बैठना है, और सांस को खींचते हुए अपने हाथ को ऊपर ले आना है, और यहाँ पर बैलेंस बनाना है आपको इस तरह से। और जब एक्सहेल करेंगे तो आप चल जाएंगे, लम की साउंड के साथ आप कर सकते हैं। सेकंड जो है आपका स्वाधिष्ठान चक्रा, और स्वाधिष्ठान चक्रा का जो कलर है वो आपको मैं बता चुकी हूँ। उसके लिए हमारी जो एक्सरसाइज है, जो हमारा पोस्चर है, वो भी बहुत बहुत अच्छा है। देखिए किस तरह से करना है, अपने जो राइट लेग को हमें उठाना है और लेफ्ट को ऐसे डाउन करना है इस तरह से, पत्थी मार के, और नमस्ते पोज इस तरह से आपको रहना है, और सांस को आप इनहेल और एक्सहेल करते रहें यहाँ पर। और गाइस, इसमें आपकी मर्जी है कि आपको कितने सेकंड्स देने हैं, 10 सेकंड, 20 सेकंड से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और एक्सटेंड कर सकते हैं 1 मिनट तक। मैंने भी ऐसे ही स्टार्टिंग किया था कि पहले 20 सेकंड, 30 सेकंड, अब मैं 1 मिनट तक एक्सटेंड करती हूँ इसे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्ट्रेचिंग हो जाती है। थर्ड जो हमारा मणिपुर चक्र है, उसके लिए देखिए क्वेश्चन, सिंपली आपको मैट पर लेट जाना है, आपको करते भी होंगे इसको, ठीक है? उसके बाद आपको सांस खींचने हैं, इनहेल करना है, और फेसिंग द डॉग ऊपर की तरफ आना है, जितना आप झुक सकते हैं उतना, धीरे से नीचे आएंगे। गाइस, ये अपनी कमर दर्द के लिए भी डॉक्टर एक्सरसाइज बताते हैं, तो ये करिए, और जबरदस्ती बंद बैठ दीजिए, जितना बेंड हो सके उतना। उसके बाद हमारा हृदय चक्र आया, उसके ग्रीन कलर है, और इसके लिए जो पोस्चर है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन हो जाता है, जो लोग कर सकते हैं वो करिए, अदरवाइज मुद्रा के साथ भी आप कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, अपने पैरों को पहले ऐसे सांस को पूरा एक लंबी सांस खींच लीजिए और छोड़ दीजिए, फिर अपने ये पैर ऐसे लाइए, और फिर ये पल्विक प्रेस के नाम से आपने एक्सरसाइज किया होगा कार्डियो में, आप इसको थोड़ा सा ऊपर उठाइए इस तरह से, अपने हाथों को ऐसे बांध लीजिए, अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं, ताकि इस तरह से सही पोज होगा। और बहुत ध्यान से नीचे आना है, पूरा सांस खींचिए
और छोड़ते हुए नीचे आ जाइए बहुत धीरे से, जितने सेकंड आप खड़े हो सकते हैं इस पोज में वैसे आप इस पोज को करिए। फिर आपका आता है ये आपका थ्रोट चक्रा। इसके लिए सिंपल है, देखिए आपको ऐसे बैठ जाना है, देखिए आदि शक्ति का वास होता है यहाँ पर, तो उसके लिए आप माँ काली की बात कर रही हो, जैसे माँ काली अपनी जीभ निकालती हैं उस तरह से आपको जीभ निकालिए और आँखें ऊपर की तरफ। इनहेल पोजिशन में रहेंगे, इनहेल करिए, इस तरह से आपको रहना है तो आपका थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है, बैलेंस होता है। उसके बाद आपकी थर्ड आई की आई, थर्ड आई का भी थोड़ा सा टफ हो जाता है लेकिन आप लोग कर सकते हैं। देखिए कैसे लेट जाइए और आपको अपने हैंड इस तरह से ऊपर उठाने हैं और जितने पैर खोल सकते हैं उतना खोलिए, और नहीं तो आप कितना भी रख सकते हैं। और बहुत ध्यान से आना इसमें, पहले अपना सर हल्के से नीचे झुकाना और फिर बहुत धीरे से आना है, इसको झटके के साथ मत करिए वरना कमर में भी झटका आ सकता है। लास्ट हमारा क्राउन चक्रा, जो हमारा मेन ये हमारे बिल्कुल हेड पे रहता है, क्राउन चक्रा यानी सहस्त्र। तो यहाँ पर आप पोस्चर ऐसे कत्थक पोज में ऐसे टेढ़े होके ऐसे कत्थक पोज में बनाएंगे अपने टो पे, उठाएंगे पैरों को और इनहेल के साथ और एक्सहेल, बहुत अच्छा फील होता है इंटरनली। और मैंने अपने कजन्स के साथ, अपने भाई के साथ, भाभी के साथ भी शेयर किया है, उन लोग को भी बहुत अच्छा लगा है, तो आप भी ये करके देख सकते हैं। बाकी मैं कहूँगी कोई भी एक्सरसाइज झटके से ना करें, बहुत तो इजीली करें, आपसे हो पा रही है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप मुद्राओं के साथ कर सकते हैं। बाकी ये अगर आप रोज करते हैं चक्रा ध्यान, तो आपको सच में पता चलेगा कि आपकी बॉडी की कितनी सारी इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं ऑटोमेटिकली दूर हो रही हैं। तो गाइज, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू गाइज।